नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। नीट 2024 में सिलेबस चेंज होने के बाद ओमेगा ने शुरू की टेस्ट सीरीज परीक्षा। पहले दिन 500 से अधिक बच्चे हुए शामिल। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट हमेशा से बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रवेश परीक्षा रहा है, जिसमें भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीट पाने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता करनी होती है। नीट 2024 के लिए मिथिलांचल के दरभंगा के मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर कोचिंग संस्थान में नीट टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित है। मेडिकल प्रतिभागियों के लिए दरभंगा जैसे शहरों में ये एक नई शुरुआत है। पहले इस तरह की परीक्षा का आयोजन महानगर में ही हुआ करता था, लेकिन ओमेगा स्टडी सेंटर में मिथिलांचल में रहकर जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए एक मौका लेकर आई है। वही संस्थान के मैनेजर डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि ये एक नई शुरुआत है। खासकर नीट 2024 के सिलेबस में भी काफ़ी चेंज आया है, जिसको देखते हुए हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज में कुल 32 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल किया गया है, जिसमें 10 पार्ट सिलेबस जो जनवरी से फरवरी तक में लिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदला, अब इस वक्त लेटर सौंपेंगे सीएम नीतीश। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आगामी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नव नियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाले हैं। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदल दिया गया है। दरअसल बिहार में पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति संपन्न होने के बाद बीपीएससी ने शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर लिया है। नतीजे आने के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है और शिक्षकों के बीच स्कूलों का भी आवंटन कर दिया गया है। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण के नव नियुक्त शिक्षकों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। बेहाल हुई मिड डे मील योजना, स्कूल में परोसा गया घटिया खाना, बच्चों ने खेत में फेंका भोजन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो सख्त फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि उनके ऊपर के पाठक के आदेश का कोई असर नहीं पड़ रहा है और बदहाली जस की तस बनी हुई है। शिवहर प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय कटसरी जागीर में बुधवार को मिड डे मील का खाना बनने के बाद जब बच्चों को परोसा गया तो बच्चों ने घटिया खाने का आरोप लगाकर भोजन को खेत में फेंक दिया और प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए छात्र छात्राओं ने बताया कि शिक्षक अलग से अपने लिए खाना बनवाकर खाते हैं और बच्चों के लिए अलग से खाना बनाया जाता है। बच्चों का आरोप था कि खाना इतना घटिया था कि उसे खाया नहीं जा सकता था, इसलिए फेंक दिया। हंगामे की खबर मिलने के बाद DPO राहुल कुमार ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। उन्होंने बारी बारी से सभी स्कूलों में जाकर उपस्थित जांच किया। विद्यालय में खाने की गुणवत्ता की जांच करने के बाद वहां से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूल के शौचालय का भी जांच किया, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। DPO राहुल कुमार ने बताया कि छात्राओं के सभी आरोपों की जांच की गई है। उन्होंने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मी की शिकायत नहीं होगी वापस। विभाग ने जारी किया ये आदेश। बिहार में अब सरकारी अफसर या कर्मी के खिलाफ शिकायत करके उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लोक सेवक के खिलाफ हो रही झूठी शिकायतों के चलते ये आदेश आया है। अब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ एक बार किसी मामले में शिकायत दायर कर दे तो इसे वापस नहीं ले पाएंगे। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। दरअसल अब सुबह में किसी सरकारी लोक सेवक के खिलाफ शपथ पत्र के साथ की गई कोई शिकायत अब किसी सूरत में या बहाने से वापस नहीं होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश सभी निगरानी समेत किसी भी विभाग या जिला स्तर पर की गई शिकायत पर लागू होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोग पहले किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत करते हैं, फिर कुछ समय बाद इस शिकायत पत्र को ये कहते हुए वापस ले लेते हैं कि ये शपथ पत्र बहकावे में भेज दिया गया था, किसी दुर्भावना से प्रेरित था। बिहार में इस दिन से होगी नए बहाल शिक्षकों की पोस्टिंग, जानिए कैसे होगा स्कूलों का आवंटन। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान सहित विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
इसके बाद सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूलों में पोस्टिंग देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन नए टीचरों को स्कूल आवंटन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। दरअसल दूसरे चरण में शिक्षकों की पोस्टिंग 6वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के रिक्त पदों के अनुसार की जाएगी। ये पोस्टिंग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और पहले चरण के पूरक के परिणाम के आधार पर अनुशंसित शिक्षकों की होगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर जिस दिन शिक्षक योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नए शिक्षक स्कूलों में जनवरी के अंतिम सप्ताह से अध्यापन करना शुरू करेंगे। वर्ल्ड क्लास बनेगा पटना का बदहाल मोइनुल हक स्टेडियम, तेजस्वी यादव ने दिया निर्देश, मिलेंगी ये सुविधाएं। मुंबई और बिहार के बीच बीते दिन पटना में खेले गए रणजी क्रिकेट मैच के दौरान मोइनुल हक स्टेडियम की जर्जर हालत का फोटो और वीडियो खूब वायरल हुआ था। स्टेडियम को लेकर हुई जंग हंसाई के बाद बिहार सरकार एक्टिव हो गई है। बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास एवं नवनिर्माण को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और स्टेडियम के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट ली। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने स्टेडियम के पुनर्विकास और नवनिर्माण को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि मोइनुल हक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। हिट एंड रन लॉ को लेकर बिहार में फिर सड़कों पर उतरे ड्राइवर, सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार में हिट एंड रन कानून के विरोध में एक बार फिर ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार को गया, सीवान, शेखपुरा सहित राज्य के विभिन्न शहरों में वाहन चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया और कई जगहों पर सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर दी। ड्राइवरों के प्रदर्शन के कारण कई जगहों पर जाम लग गया। इसके चलते घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीवान में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने महादेवा ओपी थाने के बिंदुसार गांव के समीप नेशनल हाईवे पथ को जाम कर दिया। हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे चालकों का कहना था कि 7,000 रुपए महीना कमाने वाले गरीब लोग कहां से 7 लाख का जुर्माना देंगे तथा कैसे 10 साल की सजा काटेंगे, हमारे परिवार और बच्चों का क्या होगा। चालकों ने ये मांग की थी कि सरकार इस काले कानून को तुरंत खत्म करे, नहीं तो इस प्रकार से सड़क जाम हमेशा होते रहेंगे। लक्षद्वीप और मालदीव जैसा मजा अब बिहार में, कम खर्च में उठा सकते हैं इन एक्टिविटीज का लुत्फ। हजारों लाखों रुपए खर्च कर अब आपको मालदीव, लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार जाने की जरूरत नहीं। वहां के समुद्र तट पर जो पर्यटकीय सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं अब बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में ही आपको मिलेंगी। आप अगर वाटर एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको पश्चिम चंपारण के अम्बामन झील आना होगा। बिहार के पहले वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर विकसित अम्बामन को अब पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। यहाँ मोटर बोट, जेट अटैक बोट, जेट स्की, पैरास्केलिंग, क्याक जर्बिक बॉल जैसे वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया जा सकता है। मोतिहारी शहर से 30 किलोमीटर और बेतिया से 22 किलोमीटर दूर NH-727 के किनारे स्थित अम्बामन झील तथा वाटर स्पोर्ट्स पार्क में आप कई तरह के वाटर एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। लक्षद्वीप और गोवा की तर्ज पर बना बेतिया का अम्बामन बिहार का एकमात्र एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है। यहाँ हवा में पैरासेलिंग करना चाहें या फिर पानी की सतह पर बड़े से प्लास्टिक बॉल में घुसकर लहरों के बीच नदी में उतरना चाहें, आपको यहाँ सभी तरह की सुविधा मिलेगी। बिहार में सरकारी भवनों के रूफटॉप पैदा करेगी बिजली, ग्रिड से जुड़ेंगे सोलर पावर प्लांट। सरकारी भवनों पर लगाए गए रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों को नज़दीक ग्रिड सब स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। इनसे न सिर्फ उन सरकारी भवनों के बिजली की खपत पूरी होगी बल्कि शेष बची बिजली से दूसरे सरकारी या आवासीय परिसरों को भी रोशन किया जा सकेगा। इसको लेकर ब्रेडा यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने सहयोगी निजी एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। चयनित एजेंसी न सिर्फ अगले 5 साल तक इन रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों का संचालन करेगी बल्कि उसके मेंटेनेंस और ग्रिडों से उसकी संपर्कता बहाल करने में भी बिजली आपूर्ति कंपनियों को मदद करेगी। बिहार में गांधी मैदान स्थित बस स्टैंड हुआ बंद, जेपी गंगा पथ पर आज से बसों का चलना शुरू, जानिए कारण। बिहार के पटना में स्थित जेपी गंगा पथ से आज से बसों का परिचालन शुरू हुआ है। वहीं गांधी मैदान इलाके से अब बसों का परिचालन नहीं किया जाएगा। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके बाद अब बाकीपुर बस स्टैंड से बस नहीं खुलेगी और यहाँ पर बस नहीं जाएगी, जेपी गंगा पथ से बस चलेगी। इसी के साथ ही गांधी मैदान से बस स्टैंड को हटा दिया गया है।
वहीं मरीन ड्राइव पर बसों को ठहराव दिया गया है। ऐसा होने से अब लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गांधी मैदान इलाके में जाम की समस्या अक्सर होती है, इस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। गांधी मैदान के पास मेट्रो के निर्माण का काम भी चल रहा है, इसे लेकर रास्ते को ब्लॉक भी किया गया है। वहीं अशोक राजपथ से बस चलेगी, ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये निर्णय लिया गया है। बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, समस्तीपुर से दरभंगा जाना होगा आसान। गया बिहार शरीफ सड़क को लेकर भी है ये प्लान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद बिहार में 3 NH पर निर्माण इस साल शुरू होगा। इनमें से हाजीपुर बछवारा NH 122B, अहमदाबाद मनिहारी NH 131A और गया बिहार शरीफ NH 120 पर एक ROB शामिल है। इन सभी के निर्माण की प्रक्रिया केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू कर दी है। इन सभी परियोजनाओं संबंधित इलाकों में आवागमन बेहतर करने के लिए परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने की मांग पिछले कुछ साल से की जा रही है। सूत्रों के अनुसार हाजीपुर बछवारा NH 122B का 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ करीब 624 करोड़ की अनुमानित लागत के करीब 30 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होगा। ये सड़क महनार और मोहिनुद्दीन नगर से होकर गुजरती है। फिलहाल इस सड़क की चौड़ाई कम है और इसके आसपास घनी आबादी वाला बड़ा इलाका है। इस सड़क से होकर समस्तीपुर दरभंगा और बरौनी की तरफ जाने वाले वाहनों की संख्या अधिक होने से इसकी व्यवस्था अधिक होती है, इस कारण इसमें अक्सर जाम लग जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की लंबी समय से मांग की जा रही है। मंत्रालय ने इस सड़क के निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। एजेंसी चयन का काम मार्च तक पूरा होने की संभावना है। पटना पहुंची स्मृति ईरानी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का श्रीराम विरोधी चेहरा हुआ उजागर। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को पटना पहुंची। वहां उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और UPA सरकार के साथ साथ इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने को लेकर उन्होंने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि उनकी राम में आस्था नहीं है। निमंत्रण ठुकराने से कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। वहीं PM मोदी की तारीफ करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी विकास के लिए बेकरार हैं। वो गरीबों के उत्थान के लिए बिना रुके थके काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वर्ष 2015 से 2021 के बीच देश के 13.50 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं 10 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंची है। बिहार में सहरसा फारबिसगंज के बीच होली से पहले दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे ने दी बड़ी जानकारी, जानिए क्या है पेंच। बिहार में सहरसा से फारबिसगंज के बीच ट्रेन चलाने को लेकर हर बार रेलवे नई तारीख की घोषणा कर रही है, लेकिन हर बार आधिकारिक निरीक्षण के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा ही रह जा रहा है। इसकी खास वजह है 6 नए मेजर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होना। हालांकि सरायगढ़ से राघोपुर और राघोपुर से प्रतापगढ़ के बीच सभी 6 नए मेजर ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कुछ काम अभी शेष बचे हैं, जिसे पूरा करने के लिए बीते 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका। अब रेलवे की ओर से एक नई तारीख सामने आई है। रेल अधिकारियों की माने तो फरवरी के अंत तक कंस्ट्रक्शन के अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। मार्च 2024 तक सहरसा से फारबिसगंज 112 किलोमीटर रेलखंड पर ट्रेन चलने की उम्मीद है। हालांकि वर्तमान में सहरसा से ललितग्राम के बीच एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। सरायगढ़ से राघोपुर और राघोपुर से प्रतापगढ़ के बीच 6 नए मेजर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से 41 नंबर नए ब्रिज का काम पहले ही पूरा हो चुका है। 2 महीना पहले ही पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य ट्रैक इंजीनियर 41 नंबर ब्रिज पर ट्रेन चलाने की फिट दे चुके हैं। मकर संक्रांति 2024 को लेकर विदेशों तक मशहूर है बिहार के गया का तिलकुट। खरीदारी शुरू, जानिए खासियत। मकर संक्रांति के त्यौहार में अब अधिक दिन नहीं बचे हैं। दुकानों में लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानें सजकर तैयार हैं। वहीं गया का तिलकुट पूरी दुनिया में मशहूर है, देश के बाहर भी इसकी बिक्री की जाती है। ये कई मायने में खास है, यही कारण है कि विदेशों में भी लोग इसे खूब पसंद करते हैं। बिहार सरकार की ओर से इसके उत्पादन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तिल के उत्पादन से किसानों तक लाभ पहुंचता है, इसके अलावा इसके कारोबार से कई लोगों को लाभ भी मिलता है। विदेशों से लोग पर्यटन स्थल बोधगया में पहुंचते हैं, इस दौरान ये अपने साथ यहाँ का तिलकुट को भी लेकर
लेकर जाते हैं। वहीं कई लोग विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों तक तिलकुट को पहुंचाते भी हैं। फिलहाल दिन के साथ साथ रात में भी तिलकुट को बनाने का काम चल रहा है। लोग थोक भाव में इसकी खरीदारी में जुट गए हैं। तिलकुट की खुशबू से बाजार महकने भी लगा है। कई इलाकों में तो अलग अलग शिफ्टों में काम चल रहा है। गया के तिलकुट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तिलकुट बनाने के लिए कभी से भी तिल मंगाए बनाए जाते हैं। तिलकुट गया का होता था तो तिल राजस्थान और गुजरात का भी होता था। वहीं अब यहाँ तिल की खेती भी होती है, इससे तिल का निर्माण शुरू किया गया है। बिहार के 10 IPS अफसरों का तबादला। DIG का पद खत्म किए जाने के बावजूद दरभंगा और पूर्णिया में पोस्टिंग। दरभंगा और पूर्णिया में DIG की पोस्टिंग की गई है, जबकि सरकार के द्वारा पूर्व में इस पद को खत्म कर दिया जा चुका है। इन दोनों जिलों में इस पद के लिए ऑफिस भी नहीं है, इसके बावजूद यहां DIG की पोस्टिंग की गई है। इन दोनों जिलों में IG की जगह DIG की पोस्टिंग की गई है। 1996 के बैच के IPS सुनील कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2002 बैच के IPS राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना और 2004 बैच के विनय कुमार को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा पटना एवं 2006 बैच के IPS शिवदीप वामन राव को मुजफ्फरपुर का IG बनाया गया है।